अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मुकेश रुपेता। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल रमज़ान वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर के बाहर। आज जैकबाबाद की तारीख का अहम दिन है कि आज के दिन ममता समाजी रहनुमा हाजी शेरमन मुगेरी की जानिब से जैकबाबाद के शहरियों के सहूलियात फराम करने के साथ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज से जो है एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया है। ये एम्बुलेंस सर्विस की एक अशद ज़रूरत थी शहर में, जैसे कि कोई भी एम्बुलेंस सर्विस प्राइवेट तौर पे नहीं थी। एक आध थी भी तो भी किसी काम की नहीं थी। जब लोगों को कोई मुश्किल होती थी, कोई मसाइल होते थे, तो उसके लिए लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। अस्पतालों में भी एम्बुलेंसेज जो हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से भी शहरियों को मुश्किल आता। इस एम्बुलेंस के ज़रिए आवाम को जो है मज़ीद फ़ायदा होगा। दो साल से जो है हाजी शेरमन मुगेरी जो है जैकबाबाद शहरियों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। पहले उन्होंने कोरोना जब शुरू में सूरत हाल पैदा हुई तो उन्होंने शहर के हर गली हर मोहल्ले में हर घर तक जो है राशन पहुँचाया। उसके बाद जो है इस गर्मी शदीद गर्मी में जो है एक जहाँ पर जैकबाबाद में 50 से 51 सेंटीग्रेड गर्मी की दर्ज हरारत चल रही है, वहाँ पर गरीबों के जो मोहल्लों के और गलियों के जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं वापडा वालों की जानिब से वो नहीं बनाए जा रहे हैं। वो अपने खर्चे पर घर अपने ज़ाती खर्चे पर ट्रांसफार्मर बना के वहाँ पर लगवा रहे हैं और गरीबों को सहूलियात फराम कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के लोगों को जिन लोगों को जो भी मदद की ज़रूरत है वो ममता समाजी रहनुमा हाजी शेरमन मुगेरी हर वक्त हाजिर हैं और जैकबाबाद के शहरियों के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। इस वजह से जो है आज से ये जो है आगाज़ किया है एम्बुलेंस फैसल रमज़ान वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज़ किया गया है। इस वक्त मैं पूछूंगा यहाँ पर मौजूद साबिक म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन आसिफ खान मुगेरी से कि वो क्या कहना चाहेंगे, इस कदम को किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़े हाजी शेरमन मुगेरी ने अपने छोटे भाई फैसल रमज़ान मुगेरी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से ये एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि हम तो यहाँ के बेसिकली यहाँ से ही रहने वाले हैं और हम देखते रहे कि मुख्तलिफ वक्तों में औकातों में जो है ना ये ऐसे मसले होते हैं कि गरीब बंदों के लिए चिंची वगैरह भी उनके ज़ख्मियों को या मरीज़ों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक बड़ी मतलब दिली तकलीफ पहुँचती थी कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, साहब हैसियत वाले थे, प्राइवेट बंदे वो तो प्राइवेट एम्बुलेंस कर सकते थे, कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन ये गरीब स्पेशली जो गरीब और जैकबाबाद आवाम के लिए ये एक तोहफा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो किसी भी मरीज़ और जैकबाबाद आवाम को जिधर हॉस्पिटल या कब्रिस्तान कहीं भी जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट फैसल रमज़ान मुगेरी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से ये इफ्तिताह हुआ है और ये एक बहुत अच्छा अमल है। मैं इसको एक सराहता हूँ, मैं या पूरे शहर जो है ना एक अच्छी नीयत से जो है ना इनका जो है ना शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि ये एक तोहफा है हमारे जैकबाबाद आवाम के लिए और इंशाल्लाह इनसे उनकी खिदमत भी हासिल होंगी। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद शहरियों से पूछ रहे हैं कि वो इस एम्बुलेंस के आगाज़ पर क्या कह रहे चाहते हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके आगाज़ में हाजी शेरमन मुगेरी साहब के दिल से शुक्र गुज़ार हैं, जो हाजी साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया। ये इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जैकबाबाद में इधर जो भी सरकारी एम्बुलेंस थे वो सरकारी एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं करते थे, इनकी वजह से हमारे को बहुत तकलीफ़ थी। हम हाजी साहब के नहायत ही शुक्रगुजार भी हैं शहर वाले। इंशाल्लाह ताला हम हाजी साहब को एमपीए भी देखना चाहते हैं, ये भी हमारा कहना चाहेंगे। हम भी ऐसे के कहना चाहते हैं, हाजी शेर मोहम्मद वो इधर हमारे काम करते हैं, बिजली ट्रांसफार्मर है, सब गरीब को साथ देता है। ये काम हाजी ने किया, बहुत गरीब के लिए अच्छा किया। हम हाजी के बहुत गरीब शुक्रगुजार हैं, हाजी साहब ने देखते हैं हाजी एमपी एमएन बन जाए हमारे के लिए अच्छा। जी इस वक्त आपने यहाँ पर साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी आसिफ खान मुगेरी और दीगर शहरियों के तासुलात सुने। उन्होंने इस कदम को जो है काबिल तारीफ कहा है और उन्होंने हाजी शेरमन खान मुगेरी को खराज तहसीन पेश किया है। उनका ये कहना है कि ममता समाजी रहनुमा हाजी शेरमन मुगेरी की जो खिदमत हैं वो जारी और सारी रहेंगी।